दूसरी बात, मीडियन होता क्या है? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा जिससे आपको ये चीज समझ आ जाएगी। सपोज करो कुछ लोगों की आपको इनकम दी हुई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लो 50 रुपीज कमाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 करोड़ रुपीज कमाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 5,000 रुपीज कमाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 लाख रुपीज कमाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपए कमाते हैं। हमारे देश में देखो अलग अलग कमाई के लोग हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 500 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब यहाँ पे लोग कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग हैं ना, इन सबकी ये इनकम है। तो आप बताओ इसकी बेहतर समझ के लिए मेरे को क्या इन इनकम्स को अरेंज नहीं कर देना चाहिए, बोलो हाँ या ना? अगर ये लोगों की इनकम है, मैंने तो एक बार में ऐसे कलेक्ट कर दिया, कोई 50 रुपए कमा रहा है, कोई 50 करोड़, कोई 5,000, कोई 5 लाख, कोई 50,000, कोई 500 करोड़, तो मेरे को कायदे से इसको अरेंज कर देना चाहिए कि नहीं, ताकि समझ बेहतर हो। तो देखो इसका इतना अच्छा अरेंजमेंट मैं कर सकता हूँ, मेरी इनकम, मेरी मतलब कुछ लोगों की इनकम, कोई इंसान ऐसा है जो मान लो 50 रुपए कमाता है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमाने वाला कौन है, उससे ज्यादा कौन कमाता है, 5,000 रुपए वाला, उससे ज्यादा कौन कमाता है, 50,000 का व्यक्ति, उससे ज्यादा कौन है, 5 लाख रुपए कमाने वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाख कमाने वाला, उससे ज्यादा कमाने वाला 50 करोड़ का पर्सन है, उससे ज्यादा कमाने वाला 500 करोड़ का पर्सन है। मैंने अरेंजमेंट करके पहले बताओ सही किया कि गलत किया? मैंने अरेंजमेंट करके सही किया कि गलत किया? हैंड रेस करके बता दो, सही किया गलत किया? मैंने सिर्फ लोगों की इनकम को अरेंज कर दिया, फ्रॉम कम टू ज्यादा मैंने अरेंज कर दिया, दैट्स इट, ये मैंने काम किया। अब मैं इमेजिन करता हूं कि मेरे को इनमें से सबसे संतुलित या बैलेंस इंसान जो लग रहा है, जो अच्छा कमा रहा है, वो है 5 लाख रुपए की कमाई करने वाला, ना इसकी इनकम बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। अब ये जैसे अगर मैं हूं, तो हो ये रहा है कि या तो लोग मुझसे कम कमा रहे हैं, ठीक है, मेरे से नीचे, फिर 50,000 के लोग हैं, 5,000 के लोग हैं, 50 रुपए के लोग हैं, या तो ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं, 50 करोड़ कमा रहे हैं, 500 करोड़ कमा रहे हैं। मैं बोलता हूं सबसे खुश मैं ही हूं, मैं हूं बीच का बंदर, और मेरे को ही कहेंगे मीडियन, ठीक। ये एक एग्जाम्पल आपके लिए मैंने दिया, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऊपर मीनिंग दिख रहा हूं, एक बार में समझना आना चाहिए आपको। कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी हाइट मैं बता रहा हूं, जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूं, जैसे आप ही में से बच्चों के नाम मैं देता हूं, आदित्य हो गई, अनुष्का हो गई, अजीजा हो गई, हेमेश हो गया, मैं आपके नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, देखना, आदित्य हो गया, हेमेश हो गया, अनुष्का हो गई, अजीजा हो गई, ये सिर्फ एग्जाम्पल है बेटा आपको समझाने के लिए। और एक स्टूडेंट का नाम लिखते हैं हम लिख देते हैं मान लो हीरेंद्र का नाम, सर नहीं, स्टूडेंट हीरेंद्र उइके, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आदित्य की हाइट जो है वो 6 फिट है, हेमेश की हाइट जो है मैं बोलता हूं 6 फिट 6 इंच है, एग्जाम्पल है बेटा, है ना। अनुष्का की हाइट जो है 5 फुट 4 इंच है, अजीजा की हाइट 5 फुट 5 इंच है, और हिरेंद्र की हाइट 4 फुट है, ठीक। अब कायदे से सबसे पहला काम मेरे को ये करना चाहिए कि इनकी हाइट को अरेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर ये असेंबली लाइन में खड़े होंगे तो कैसे खड़े होंगे, सबसे शॉर्ट हाइटेड वाला सामने खड़ा होगा, और सबसे टॉलेस्ट है वो आखिरी में खड़ा होगा, असेंबली लाइन में तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले कौन खड़ा हो रहा है, हीरेंद्र खड़ा हो रहा है, 4 फुट का पर्सन, उसके बाद उसके पीछे कौन है, अनुष्का आई 5 फुट 4 इंच, उसके बाद कौन आया, अजीजा आई 5 फुट 5 इंच, उसके बाद आदित्य आया, आदित्य की हाइट कितनी है, 6 फुट। और इमेजिन करो ना असेंबली लाइन है, तो शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट ऐसी स्टैंड करते हैं ना, हेमेश की हाइट 6 फुट 6 इंच है। अब मैं ये बोलता हूं, इमेजिन करता हूं कि मैं बोलता हूं यार इसमें मेरे को सबसे प्रॉपर हाइट जो है वो अजीजा की लग रही है, 5 फुट 5 इंच, ये एक एवरेज हाइट है, तो यहां पर अजीजा हो गई मीडियम, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिससे या तो शॉर्ट हाइट के लोग हैं या तो उससे ज्यादा हाइट के लोग हैं, ये एक एवरेज हाइट की है। तो अब मीडियम का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका मतलब होता है अ वैल्यू विच डिवाइड्स द सीरीज इन टू पार्ट्स,
वेयर वन पार्ट इज स्मॉलर देन वैल्यू एंड अदर पार्ट इज लार्जर देन वैल्यू। ये बीच की एक ऐसी वैल्यू है उसमें या तो उससे कम होते हैं या तो उससे ज्यादा होते हैं। जैसे इनकम में अगर मेरी इनकम 5 लाख है तो मैं मीडियन हूं, अब यहां से या तो मुझसे कम कमाने वाले लोग हैं या तो मुझसे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। वैसी हाइट में अगर अजीजा की हाइट 5 फुट 5 इंच की है तो या तो उससे कम हाइट के लोग हैं या तो उससे ज्यादा हाइट के लोग हैं। तो मीडियन क्या करता है, बनी बनाई सीरीज को दो टुकड़े में बांट देता है, जहां आपने जिस भी नंबर को चुना है या तो आगे उससे नंबर छोटे होंगे या तो उससे नंबर बड़े होंगे, ये बीच का नंबर है। अब आप बताओ आपको मीडियन कितना समझ में आया अभी तक, मीडियन आपको कितना समझ आया? एक ऐसी वैल्यू जो किसी भी सीरीज को बीच से काट दे, दो हिस्से में बांट दे, वैल्यू या तो उससे कम होगी या तो ज्यादा होगी, वो मीडियन है। हैंड रेस करके बता दो कितना समझ आया। और एग्जांपल चाहिए क्या? आ जाना चाहिए। लेट मत किया कर अमन, दिक्कत होती है बेटा। चलो कोई नहीं, तो ये मीडियन का आपको अभी तक मतलब समझ आ गया होगा। ये एक बीच की वैल्यू है जो आधे आधे से बांट देती है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे ना बेटा, तो एक हिंट दे रहा हूं, याद रखना है, ऑलवेज अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो बिफोर कैलकुलेटिंग मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने से पहले सीरीज को हमेशा अरेंज करना, बिना अरेंज करे मत बनाना, आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि जब तक अरेंज नहीं करोगे तब तक वैल्यू कम या ज्यादा आप नहीं बता सकते। ये आप लिख लो, आपकी नोटिंग हो जाए तो मेरे को बता देना बेटा कि यस सर वी हैव नोटेड। ये देख लो, ये मीडियन की मीनिंग है, अ वैल्यू व्हिच डिवाइड द सीरीज इन टू पार्ट्स वेयर वन पार्ट इज स्मॉलर देन वैल्यू एंड अदर पार्ट इज लार्जर देन वैल्यू। ये आपके लिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, कुछ लोगों की, देखो अलग अलग लोगों की कमाई है, मैंने अरेंज कर दिया कम से ज्यादा में। मैंने इमेजिन किया कि मेरी इनकम 5 लाख है तो मैं मीडियन हूँ, या तो इससे कम वैल्यू के लोग हैं या तो इससे ज्यादा वैल्यू के लोग हैं। स्कूल का बेटा भूल जा, कुछ नहीं होने वाला अभी, ओपन दिसंबर दिसंबर में भी कहां से होगा, इतना कोरोना बढ़ रहा है। भूपेश बघेल सरकार ने बोल दिया जनवरी तक नहीं खुलवाएंगे, अब क्या पता आगे अगर कुछ होता है तो। ठीक है, ये नोटिंग हो जाए तो बताना, यस सर हो गई नोटिंग तो मैं आपको आगे फॉर्मूला दिखा सकूं। ये आप देख लो, एकदम आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं हमको जीवन में। कल तो टेस्ट दे रहे हो आप मीन का, अच्छे से देना। हो गया, नीचे आते हैं, ये हिंट को लिख दो, भूलना मत, हिंट लिख दो। बिना अरेंज करे क्वेश्चन ही नहीं करना, गलत आएगा, आंसर बता दे रहा हूं। जीवन के दिन छोटे सही, हो गया क्या? हाँ या ना, फटाफट बोल दो, हैंड रेस कर दो, हो गया है तो। अब एक काम करो, फ्रेश पेज लो, उसमें फॉर्मूला शीट बना दो। फॉर्मूला दिखा रहा हूं, फॉर्मूला शीट बनाओ, इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड वाला लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट बनाया जाता है, बहुत इजी सा है और एकदम आराम से बनेगा। फॉर्मूला शीट, मीडियन निकालना आना है आपको, मीडियन की फॉर्मूला शीट है ना। रोमन में वन, अगर सीरीज इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जिसमें नॉन रिपीटिटिव नंबर होते हैं। अगर सीरीज इंडिविजुअल है तो फॉर्मूला है एम माने मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 आइटम। दिस इज द फॉर्मूला, एन प्लस 1/2 आइटम, ऐसे ही दिखना, एम इज इक्वल टू, एम माने मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 आइटम। हियर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल है, दिस इज द फॉर्मूला एम इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू, टूथ आइटम, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लिखो आराम से। अगर आपकी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है, एम इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टूथ आइटम, हियर एन इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में बेटा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का काम है फ्रीक्वेंसी करती है ना, हम मीन भी बनाए थे तो पढ़े हैं डिस्क्रीट सीरीज क्या है, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। ये आप नोट डाउन कर दीजिए, इंडिविजुअल सीरीज का ही फॉर्मूला वही है, n plus 1 by 2th item, discrete का भी वही है, बस इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और discrete सीरीज में टोटल फ्रीक्वेंसी है। ये नोट डाउन हो जाए तो बताओ मेरे को, सर हो गया, यस सर करके बता दो अगर ये नोट डाउन हो गया आपका। ओके, अब ये तीसरा दिख रहा हूं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा फोकस करना और एकदम अच्छे से दिखना, ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा तो एक बार में आपको ये समझ भी आ जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी। अगर आपकी सीरीज कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस सीरीज अगर है जिसमें क्लास इंटरवेल दिया रहता है, अगर वैसी सीरीज है ना तो मीडियन को बेटा दो स्टेप में बनाया जाता है। पहला स्टेप जो होता है वो होता है एम इज इक्वल टू एन बाय टू थाइटम, एन प्लस वन नहीं करना है, एन बाय टू थाइटम, हियर एन इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। स्टेप वन हो गया, स्टेप टू एम इज इक्वल टू एल वन प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय आई, दिस इज द फॉर्मूला। ये आप देखिए, दो स्टेप है, आप मैं रोमन में लिख देता हूं ताकि याद रहे। स्टेप रोमन में क्या अच्छे से लिखेंगे ना, स्टेप वन और ये स्टेप टू, दो स्टेप में कंटिन्यूअस सीरीज बनाते हैं। यहाँ पे हियर हियर करके लिख दे रहा हूं हर चीज का मतलब, और क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगा तो एक बार में आपको समझ आ जाएगा। हियर एल वन इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवेल, एन बाय टू तो ऊपर निकल गया, वही एन बाय टू है, सी एफ मतलब होता है प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब होता है करंट फ्रीक्वेंसी, आई मतलब होता है क्लास डिफरेंस, या तो बोल सकते हो डिफरेंस इन क्लास इंटरवेल। इस पे ज्यादा ना अभी दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन बनवाऊंगा तो एकदम एक बार में साए साए सब बनेगा आपसे। जब पूरा हो जाए फॉर्मूला ऊपर दिखाना है तो बता दो, ये देखो देखो ऐसा है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, तीन ही सीरीज है। ठीक है, फॉर्मूला देख लो, एम इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू, एन प्लस वन बाय टू और ये फॉर्मूला ऐसा है। ये नोट डाउन हो जाए तो बता देना मेरे को, सर नोट डाउन हो गया हमारा। आप बोलोगे यस सर, तो मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाता हूं इसका कैसे बनता है, और कल टेस्ट में दे भी दूंगा, बना के देना। बता देना हो जाए ये तो। अनुष्का का कंप्लीट हो गया, बाकी लोग बताओ, सबका होगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा मैं। ये एक पेज में आप कर दो, अच्छे से बना लो, वेरी गुड बेटा। हो गया, तो ये आपका देखो फॉर्मूला शीट बन गई, कॉपी को संभाल के रखना, सारे फॉर्मूले देखो इसी में है आपके। आपको मैंने तीनों फॉर्मूला बता दिया है, जो नहीं दिख पाया होगा स्क्रीनशॉट दे दे, ऐसे स्क्रीनशॉट दे दे ताकि इशू ना जाए। एक हो गया और ये इसका दे देना, ऐसे स्क्रीनशॉट मेरा चेहरे की मत देना, टकलाऊ ऐसे भी तुम्हें। ठीक है, ये हो गया आपका, फ्रेश पेज पे आओ, फ्रेश पेज दो, फ्रेश पेज पे लिखो
इसके सिर्फ क्वेश्चन देता जाऊंगा बेटा, आप कॉपी मेंटेन रखो, साथ में सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? आप फ्रेश पेज दो, ऊपर हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इंडिविजुअल सीरीज। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, आज इंडिविजुअल सीरीज कर देते हैं एकदम अच्छे से। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। फॉर्मूला यहां पे भी लिख देता हूं ताकि डाउट ना रहे। एम इज इक्वल टू, आप भी ऐसी करा करो कॉपी में, अच्छी प्रैक्टिस है। यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं ना, कैलकुलेशन वहीं पे फॉर्मूला कर दिया करो। एन प्लस वन बाय टू थाइटम। अब आप जानते हो बेटा एन का मतलब क्या होता है, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब कितने नंबर से। आपको मैं दो क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं, तीसरा आप मेरे को बना के दिखा देना, ठीक है? क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट मीडियन है तो बनाएंगे यार, क्या दिक्कत। आपको एक्स वैल्यू दी हुई है 3 5 9 7 8 1 6, ठीक? ये आपको वैल्यू दी हुई है 3 5 9 7 8 1 6। आपको मैंने बोला है कभी भी जब आपको नंबर्स मिले और मीडियन कैलकुलेट करने बोले, सबसे पहला काम आप इसको अरेंज करोगे। तो आप इसको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, 1 3 5 6 7 8 9। ये मैंने एकदम इसको प्रॉपरली अरेंज किया, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रखे। फर्स्ट अरेंज, अरेंज अगर क्वेश्चन में दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो अरेंज करो। अब सुनना मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, समझ में। फॉर्मूला है मीडियन का, एन प्लस वन बाय टू था आइटम, दिस इज द फॉर्मूला। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, एन मेरा 7 है, 7 नंबर से। प्लस 1 अपॉन 2 थाइटम, 7 प्लस 1 8, 8 बाय 2 थाइटम, तो मेरा कौन सा आइटम नंबर आ रहा है, 4th आइटम आ रहा है। अब आप इस सीरीज में देखो फोर्थ नंबर कौन सा है, फोर्थ आइटम कौन सा है। फर्स्ट आइटम 1 है, सेकंड आइटम 3 है, थर्ड आइटम 5 है, फोर्थ आइटम 6 है। तो ये 6 जो है फोर्थ आइटम है, मतलब ये तुम्हारा मीडियन हो गया, योर मीडियन इज 6, ठीक है? आपको यहाँ पे जो भी आइटम नंबर आता है सीरीज में लोकेट करना होता है। जैसे अगर 5th आइटम आता तो आंसर क्या होता, 7 हो जाता। 1 2 3 4, 4th आइटम 6 है, तो 6 तुम्हारा मीडियन। बताओ समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, समझ आया कि सिर के ऊपर से गया। नोट डाउन कर दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट डाउन कर दो बेटा, हो जाए बताना। गुड, ठीक। सबसे पहला काम अरेंज करना, बिना अरेंज करने आगे बढ़ता नहीं। अगर अरेंज करके दिया है तो कोई इशू ही नहीं है, नहीं दिया है तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन बनाया, दूसरा फिर बनाता हूं आपके लिए। कैलकुलेट मीडियन, ठीक, सब बताऊंगा धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते ना बेटा, ठीक है? सब वो भी सिखा रहा हूं आपको मैं। कैलकुलेट मीडियन, एज दी हुई है आपको 6 9 12 18 22 25 27 29 31, ये सब एज दी हुई है आपको लोगों की। आप मेरे को बताओ क्या मुझे यहाँ अरेंज करने की जरूरत है, क्या क्या मुझे यहाँ अरेंज करने की जरूरत है, हाँ या ना, ये बता। यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में ही है,
छः, नौ, 12, 18, 22, 25, 27, 29, 31, तो यहाँ पे मेरे को अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े नंबर जा रहे हैं, तो डायरेक्ट मीडियन निकालूंगा मैं। एम इज इक्वल टू क्या, एन प्लस वन बाय टू थाइटम। अब आप यहाँ पे नंबर काउंट कर दो कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्लस 1 बाय 2 थाइटम। मेरे से पहले तो आप ही निकाल दिए होगे, 10 बाय 2 थाइटम। अब मेरे को तो पूरा करके दिखाना है तुमको, है ना। 10 बाय 2 थाइटम मतलब क्या हो रहा है भैया, फिफ्थ आइटम। अब इसमें फिफ्थ आइटम कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो तुम्हारा 22 जो है वो मीडियन है क्योंकि ये पांचवा आइटम नंबर है, ये पांचवा आइटम नंबर, ठीक है। तो एकदम आराम से बन गया होगा, ठीक है, लग रहा है। नोटिंग करो यार इसकी, अब नोटिंग हो जाए तो बताना सर, नोटिंग भी हो गई हमको तो ये समझ आ गया है, ये बता देना मेरे को। हो गया, साथ साथ नोट करते चलो बेटा, आराम से पढ़ते हैं अपन, कोई हड़बड़ी नहीं अपने को, हो गया है ना, गुड। अब तीसरा क्वेश्चन एक और बना के देता हूं, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। देखना, कैलकुलेट मीडियन है, वही काम कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इनकम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये आपको इनकम दी है। मेरे को अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बराबर अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में ही है, छोटे से बड़े नंबर जा रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मीडियन निकालता हूँ। एम इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू तो होता है ना, तो मैं एन गिनूंगा तो कितना आ रहा है मेरा, मेरा यहाँ पे एन देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रहा है, प्लस वन अपॉन टू, तो अब ये क्या आएगा भाई हमारा, 9 बाय 2 थाइटम। 9 बाय 2 का मतलब क्या होता है, 9 बाय 2 का मतलब क्या होता है, 4.5 आइटम, 4.5। तो अगर 4 होता या 5 होता तो सहसंबंध क्या कर देते, यहाँ पे लोकेट कर देते। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो फोर्थ आइटम है, 1, 2, 3, 4, मेरा फोर्थ आइटम क्या है यहाँ पर, 20 है। अब मेरा फिफ्थ आइटम क्या है यहाँ पर, 25 है ना। अपना क्या आ रहा है यहाँ पे, 4.5 आ रहा है, तो ना ही 4 है ना ही 5 है, यहाँ पे कहीं पे बीच में फंसा कोई नंबर है। अपने को अब क्या करना है, जैसे हमारा अगर कभी डेसिमल में आ जाता है, हो गई यार, जब तक ऑड नंबर्स में था फट-फट लोकेट कर दे रहे थे, यहाँ पे जैसे 9 ऑड नंबर है, आप फट-फट लोकेट कर दे रहे थे, इवन जैसे हुआ अब उसमें प्लस वन आप करोगे तो आपको 0.5 आएगा। तो जैसे यहाँ पे 4.5 आ रहा है, तो आपको समझना होगा एक ऐसी वैल्यू है जो फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम के बीच की है, तो आपको क्या करना है पता है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एवरेज निकाल देना है, किसके बीच का, फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय टू कर दो। तो यहाँ पे फोर्थ आइटम आपका क्या है, 20, आपका फिफ्थ आइटम क्या है, 25, डिवाइडेड बाय टू कर दो, तो कितना हो रहा है, 45 बाय 2, मतलब 22.5 इज योर मीडियन। तो याद रखना, जैसे सपोज करो, मान लो ये जो है अगर 6.5 होता, अगर मेरा 6.5 आइटम आता, तो मैं किसका एवरेज निकालता, मैं 6th आइटम का निकालता, मैं 7th आइटम का निकालता, डिवाइडेड बाय 2 कर देता। तो मेरा 6th आइटम क्या था, मेरा 6th आइटम था 30, मेरा 7th आइटम था 35, बाय 2 कर देता। तो आपको याद रखना है, 0.5 मतलब होता है दो आइटम के बीच की फंसी हुई वैल्यू, तो आपको दोनों आइटम नंबर को प्लस करके एवरेज निकाल देना होता है, ठीक है। आपको ये समझ आया कि नहीं आया ये बता दो, आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, आ गया सभी लोगों को बेटा, समझ में आ गया अच्छे से, अच्छे से आया कि डाउट है बताओ। स्टार्टिंग का कहां से, यहां से
एक और क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ ऐसा, देखो और क्लास कंक्लूड करते हैं, प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा बनाना। कैलकुलेट मीडियन ये लिखना जरूरी है भाई। तुमको एक्स वैल्यूज दी हुई है 3, 5, 9, 8, 10, 12, 16, 20, 25 एंड 30, ये तुमको वैल्यूज दी हुई है। आप भी नोट कर दो ये सब वैल्यूज को, ये तुम्हारी वैल्यूज दी हुई है। क्या मेरे को अरेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, अब ये बता दो मेरे को पहले, अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं पहले तो ये बताओ, अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि 9 ऊपर है 8 नीचे है, तो इसको बराबर अरेंज करो पहले। ये देखो छोटी सी बात में ओवर कॉन्फिडेंस में डूबोगे। 3, 5, 8, 9, 10, 12, एक नंबर भी अगर ऊपर नीचे तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। 25, 30, ठीक है, ये 9 के बाद 8 है, इसको 8 और 9 असेंडिंग में करना है ना अपने को। अब ये हो गया आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब तुम्हारा कितना आ रहा है, n+1/2 था आइटम, n तुम्हारा 10 है, 10+1/2 था आइटम, तो ये आएगा तुम्हारा 5.5, 11/2 होगा, 10+1 11/2, 5.5 था आइटम। तो 5.5 था आइटम का ना एक ऐसी वैल्यू है जो पांचवे आइटम और छठवे आइटम के बीच की है। फिफ्थ आइटम है 10 और सिक्स आइटम है 12, तो 5.5 के लिए मैं क्या करूंगा, एवरेज निकालूंगा किसका, फिफ्थ आइटम और सिक्स आइटम बाय 2 कर दूंगा। मेरा फिफ्थ आइटम है 10 और सिक्स आइटम है 12 बाय 2, 22/2 मेरा आंसर है 11, मेरा आंसर है 11। मीन मीन का कोई रोल नहीं है भैया, यहाँ पे एक्स मतलब वैल्यू है, मीन का खत्म किस्सा, या एक्स मतलब कोई भी वैल्यू, मैथ्स में भी नहीं पता होता तो एक्स मानते हैं ना। एक्स क्या है, शायद किसी की एज हो सकती है, किसी का वेट हो सकता है, किसी का भी इनकम, एक्स वेरिएबल आप कहीं भी दे सकते हो, ठीक है। आप बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा, आया ना, नोट डाउन कर दो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो अब इसका प्रैक्टिस पेपर भेज रहा हूं मैं, प्रैक्टिस पेपर मेरे को बना के दे देना, मीडियन का, मीडियन का प्रैक्टिस पेपर बना के मेरे को दे देना बेटा, है ना। ये करो आप, नोटिंग हो गई क्या, हो गई है तो क्लास कंक्लूड करते हैं, कंप्लीट हो गया आज का ना। कल क्लास नहीं दूंगा, कल टेस्ट दोगे, मीन का थोड़ा बहुत मीडियन का भी। कल क्लास नहीं दूंगा, कल तो तुम दोगे टेस्ट, ठीक है, ये आप कर दो। वीडियो स्टॉप कर रहा हूं मैं, चलो बाय बाय बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, देख लेना। क्वेश्चन पॉइंट में नहीं आता, आया भी तो क्या करना, अपने को तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना है, हमको तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी नंबर है, n+1/2 करना है, पॉइंट में आ भी गया तो क्या करेंगे।